हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि पुराने मंत्रा एल जीरो डिवाइस जो MFS 100 ये व्हाइट वाली है एंड नई मंत्रा MFS 110L1 डिवाइस, इन दोनों में क्या मुख्य अंतर होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि डेडलाइन सेट कर दिया गया, आप तो CSC भी कह रही है पुराने एल जीरो डिवाइस जैसे कि मंत्रा की डिवाइस, मोरपो के जितने भी E1, E2, E3 एल जीरो डिवाइस है वो सब बंद हो जाएंगे। और अगर आपको फिंगरप्रिंट से जुड़े काम जैसे कि APS, पेन कार्ड, फिंगर बेस पे, EKYC, ETC जो काम आप करते हैं अकाउंट ओपनिंग, फिंगर बेस पे, आपको L1 ये नई डिवाइस ही चाहिए, चाहे वो मंत्रा की हो, मोरपो की हो, स्टार्टेक जो भी वर्क करती हो। तो अभी हम जानेंगे अगर आपने मंत्रा नया लेने की सोच रहे या ले चुके हो तो ये पुराने वाले से हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको कुछ ऐसी परेशानी आ सकती है जो पुराने वाले के इस्तेमाल करने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि इसमें इशू क्या आ रही है या फिर आखिर दिक्कत क्या आता है। तो हम इस सारी चीजों को लेकर आपके लिए कंप्लीट वीडियो को एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो देखो, हमारे पास ये मंत्रा की L0 डिवाइस और ये L1 डिवाइस है। आपके ऊपर इसके मैंने L0 L1 लिख दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना रहे। वैसे इसके रंग रूप में बता दो, मंत्रा पुराने वाले L0 MFS 100 ये व्हाइट पूरा रहता था, लेकिन नए वाले जो MFS 110 L1 डिवाइस हल्का सा इसका आपको ब्लू पन इसमें देखने को मिलेगा। ये बात होगी लुक्स की। अगर बैग देखोगे इसके तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दोनों के ऊपर नाम एंड डिटेल देखने को मिल जाएगा मॉडल के साथ। ये तो बात होगी रंग रूप में डिफरेंस, अब काम में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, आपको मंत्रा डिवाइस को वर्क करने के लिए प्ले स्टोर से आप मंत्रा RD सर्विस नॉर्मल इंस्टॉल करना पड़ता है और L1 के लिए इस प्रकार से MFS 110 L1 RD सर्विस यूज करना पड़ता है। दोनों अगर हम ओपन करें तो दोनों में लगभग सेम फीचर्स है। डिवाइस निकाल कर लगाने पे सेम पॉपअप आती है, यहाँ पॉप आया हुआ है, यहाँ पॉप आया, ओके करने पे आपको आगे काम करता है। दोनों सेम तरह से डिवाइस टू यूज आता है, लेकिन इस वाले में आपको कैप्चर टेस्ट पे देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई चीज L1 में नहीं मिलता जो इसको थोड़ा सिक्योर बनाता है। सिक्योरिटी के लिए ये टेस्ट पे नहीं दी गई है। दूसरी जो इसकी मुख्य बातें होती है जो इसको डिफरेंस अलग बनाता है, ये जो आपको काफी ज्यादा इशू भी लगेगा, आपको परेशानी भी, आपके कस्टमर समझेंगे भी नहीं, कि जब भी आप कोई बाय APS ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, कंटिन्यू करते हो और ऑथेंटिकेट करने जैसे स्कैन करने क्लिक करते हो, हमने इसमें क्या इसमें रेड लाइट जल गई, लेकिन यही चीज अगर हम L1 में करेंगे तो कोई लाइट यहाँ पे नहीं जलता, लेकिन हम जब फिंगर करीब लाएंगे तो इसकी लाइट जो होती है जल जाती है। यानी कि ये एनर्जी सेविंग कह सकते हैं कि इसके तहत हो सकता है ये काम करे। तो ये दूसरी चीज जो है इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिली। इसका एक दिक्कत ये हो सकता है कि कस्टमर जब आते हैं तो जो लाइट जलती तब वो फिंगर रखते हैं, ये होता है, लेकिन इसमें फिंगर जलती नहीं, कस्टमर फिंगर रखना ही नहीं कहता, मतलब लाइट तो जलने दीजिए। तो ये दिक्कत आई कस्टमर के साथ, आप कस्टमर समझाना हो कि आप फिंगर रखो तभी ये लाइट जलेगी। तो ये से क्या समझा, थोड़ा बहुत आपको कस्टमर को बताना, फिर कस्टमर समझ जाएंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगा। दूसरी चीज एक बार और है कि इसको अगर हम निकाल कर लगाते हैं मंत्रा L0 को, तो इसमें एक बार हल्का लाइट हल्का आके हट जाता है और हल्का मध्यम सा पता भी चलेगा इसके लिए। लेकिन इसमें जब आप L1 को निकाल के अगर आप कभी डिवाइस को इंसर्ट करते हो तो इसमें एक पार्टिकुलर टाइम तक लाइट जलती रहती है। कस्टमर लगता है कि अब लाइट हाथ रखने का समय आ गया, तो क्या करता है, फटती से फिंगर रख देते हैं, जिस कारण एक मेजर इशू आ जाता है इस डिवाइस के L1 के ऊपर मेरे साथ आता है, वो हम वीडियो में आगे बताऊंगा। हमारा फाइनल इशू है या फिर बोले दोनों डिफरेंस है वो हम बताएंगे। अब एक ही और दिक्कत आती है आपको, मैं दिखाता हूँ। दोनों को एक ही साथ में मैं स्टार्ट करें, एक ही साथ फिंगर रखे, मैंने दोनों को एक साथ स्कैन डाला, हम दोनों पे एक साथ फिंगर रखे तो देख सकते हैं ये वाला कैप्चर लेके प्रोसेस करने लगा, लेकिन ये अभी तक प्रोसेस करने में कुछ मिली सेकेंड डिले होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि इसे इनक्रिप्ट कहा जाता है, इसमें जो डेटा होते हैं आपके फिंगर बेस पे जो स्कैनर लगाते हैं इसको अंदर इनक्रिप्ट होकर फिर इसे सप्लाई करती है एप्लीकेशन ऊपर, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस करता है आगे की ओर, जिस कारण से ये थोड़ा सा मिली सेकंड डिले लगा। यानी कि आपको जितना जल्दी L0 डिवाइस काम कर जाता और यहाँ पे आपको रिजल्ट दे देता मोबाइल पे, उससे थोड़ा सा लेट आपका L1 डिवाइस रिजल्ट देगा मंत्रा की, और थोड़ा डिले ये L0 के मुकाबले L1 या बोल सकते हैं थोड़ा स्लो काम करेगा। चौथी जो इशू सबसे मेजर और ये फाइनल इशू है, इसे इशू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना एक रिवर्स सिस्टम काम करता है। वो क्या होता है आपको हम बताते हैं। जानते होंगे कि बहुत सारे लोग जब APS करते हो तभी इसे इंसर्ट करते हैं, निकाल कैसे अलग रखते हैं। जैसे आप इंसर्ट करने जाते हो, बहुत सारे कस्टमर क्या होता है पहले से उंगली धर देते या लाइट रेड जल्दी कुछ देर के उंगली यहाँ पे रख देते फिंगर, फिर आप प्रोसेस करते हो, आपका सब कुछ होता है, फिर आप क्या करते हो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करने के लिए आगे बढ़ते हो। जैसे आगे बढ़ते हो कई बार ये होता है कि इसकी जो लाइट होती है इस प्रकार से, जैसे मैंने क्लिक किया लाइट जल रहा, मैं फिंगर रखूं तो यहाँ लाइट ये बुझ जाती है, लाइट हटाऊं रखूं बुझ जाती है, ये रिवर्स काम कर जाता है। इसका मतलब ये है कि उल्टा, और ये कैप्चर नहीं लेता है, जिस कारण से आप बार बार ट्राई करो लाइट पहले ही जल जाए L1, जबकि लाइट रखने पे जलनी चाहिए और रखने पे ये बुझ जाता है रिवर्स काम। तो इसमें दिक्कत ये होता है कि आपका ये कैप्चर नहीं लिया, कभी हो सकता ले ले, सिंपल सा फंडा है कि निकाल कर आपको लगानी है
और इस पे फिंगर जब लाइट बत्ती जलती है कस्टमर ने किसी भी तरह कोई फिंगर नहीं रखना है, फिर ओके करना है, फिर सब कुछ होने के बाद ये प्रोसेस होगा, फिर आप अपना फिंगर या कस्टमर फिंगर तब दर्ज करेंगे, तो यहाँ पे आपकी तरह कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। नहीं तो इस प्रकार सबसे मेजर इशू जो लगा मुझे लास्ट में ये जो लाइट जो रिवर्स काम करता है ये इसमें काफी दिक्कत, कई कस्टमर पहले मैं कई बार देखा हूँ, कई बार मेरे साथ हुआ है कस्टमर रेड जलेगा फिंगर धर देंगे, ये दिक्कत होता है। तो ये तीन चार अगर आप पुराने L0 से L1 में शिफ्ट होने की सोच रहे हो चुके हो तो आपको इस पे देखने को मिलता है और इस प्रकार से आप इसे सॉल्यूशन की तरह यूज कर सकते हैं।